हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं खुशी आयान। कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो क्रिएशन के लिए आपके सामने मौजूद हैं। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी फैमिली हु वांस वन टू इंडिया इन जनवरी 2023। इन्होंने विजिट किया था। ये बताया कि वहाँ बताते थे किसी को कि हम पाकिस्तान से आए, तब उनका रिएक्शन बहुत 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 खुश होते थे। वो हैरान हो जाते हैं, हैरान हुए यार 45 लोग कैसे आ गया। हमने बोला भाई, बोले यार सही बताया। वो मानते नहीं थे जब हम कहते ना पाकिस्तान, कहते नहीं झूठ बोले। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और फ्रेंड्स आज जो है मैं आपको एक फैमिली से मिलवाता हूं जो कि रिसेंटली जो है इंडिया से होके आए हैं और यात्रा करके आए। तो उनसे पूछते हैं कि यात्रा कैसी रही और कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना उनको अच्छा लगा, कितना मज़ा आया। तो आइए बात करते हैं उनसे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ जो है रवि भाई हैं और हमारे साथ दीदी हैं, लता दीदी। कैसी हैं लता दीदी? आप ठीक हैं? ठीक ठाक। और रवि भाई आप कैसे हैं? बहुत धन्यवाद है भगवान का, बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, पहले उनसे पूछा मैंने क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट। नहीं नहीं, शक्ति पहले ही होती है। हाँ, और ये है कि आज मौका मिल गया, मैंने कहा जो है इनसे थोड़ा सा जान लेते, कभी डिटेल में फिर पूछेंगे, लेकिन आज मौका है तो मैंने कहा इनसे थोड़ा सा यात्रा के बारे में पूछते हैं। और मैं साइड से हट जाऊँगा, ये खुद ही बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया। तो सर जी बस ओवर टू यू। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। जैसा कि समीर भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत सबको लाइक करते हैं, प्यार करने वाले हैं, तो शुरू में जब हम इस फील्ड में आए तो इन्होंने हमारी हेल्प भी बहुत की, तो धन्यवाद इनका। अच्छा, ये ऐसा है कि हम यात्रा पे जब कराची से निकले, हम 11 तारीख को निकले थे यहाँ से कराची से, ये हम निकले हैं जनवरी में। हाँ या 2020 ये 11 जनवरी 2023 में हम निकले कराची से। लाहौर पहुँचे हम, एक दिन बाद स्टे किया गुरुद्वारे में। वहाँ से फिर हम निकले बॉर्डर पे, बाघा बॉर्डर के थ्रू हम गए, वहाँ इंडिया पहुँचे। इंडिया में सबसे पहले हम हरिद्वार गए, बहुत हमें वहाँ मज़ा आया। हरिद्वार के लोग बहुत अच्छे लोग, इंडियन सारी जितने भी लोग हमें मिले, बहुत उन्होंने हमसे कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे तरीके से मिले और बहुत इन्जॉय किया हमने। हरिद्वार में गंगा स्नान किया, हमारी धर्मपत्नी भी बताएंगी, थोड़ा सा इनसे ही पूछते हैं इनको कैसा लगा था वहाँ। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, मेरा तो दिल ही नहीं हो रहा था कि मैं वापस आऊँ, थोड़े दिन और रहूँ, इन्जॉय करूँ। और मेरी बेटी भी थी हमारे साथ, बेटी को भी अच्छा लगा है, बस बहुत अच्छा। अब दिल कर रहा है हम वापस जाए। पूरा ग्रुप था आपके साथ में? जी, हमारा पूरा ग्रुप था हमारे साथ। तो यहाँ से जो है बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर आगे ट्रेन में गए थे, बस में गए? बस में गए थे। हरिद्वार से मनसा देवी की हमने तीर्थ यात्रा की, वहाँ पर भी बहुत हमें आनंदमय हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया तकरीबन, हमें बहुत अच्छा लगा। मनसा देवी के बाद फिर हम गए दमों में भी बहुत, भगवान जी वहाँ के महाराज हैं, बहुत अच्छी उन्होंने हमारे साथ रबते में रहे और हमें उनके धाम में रखा, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारी तवाज़ुन जो मतलब जो सेवा कर सकते थे वो धाम में ख़ास हमारे लिए उन्होंने बंदे रखे और बुलाए और लोग भी जो हमारी सेवा कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। 3 दिन हम वहाँ रहे। धमो से फिर हम गए हैं जगन्नाथ यात्रा पे, जो आजकल हमारा ब्लॉग चल भी रहा है, आप देखेंगे हमारे ब्लॉग पे भी। लता रवि यूट्यूब चैनल है हमारा, धार्मिक चैनल है, सिर्फ धार्मिक वीडियोस बनाते हैं हम, तो सारी अपडेट आपको उस पर मिलेगी। जितनी भी तीर्थ यात्रा हमने उस पर डाली है आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये कि फिर हम जब वहाँ से जगन्नाथपुरी गए, वहाँ से जगन्नाथपुरी के बाद फिर हम एक त्रिवड़ी गए। त्रिवड़ी ये नदी है जो गंगा जमुना सरस्वती का तीनों का वास है, वहाँ पर हमने स्नान भी किया, अपनी पूजा भी की। फिर वहाँ से हम गए हैं गोकुल में भी बहुत ज़्यादा आनंद मिला है। गोकुल में इतने धाम हैं कि हम बता नहीं सकते, वहाँ जब हम गए वहाँ के लोगों ने जो पिजराई दी हमें, जो मोहब्बत दी, ख़ास तौर पे एक रेस्टोरेंट था या ये गोकुल है यार, हाँ गोकुल मथुरा में वृंदावन। हाँ अच्छा, दूसरी बात ये कि हमें वहाँ के एक स्पेशल जो वहाँ का एक रेस्टोरेंट था, जो बेचारा हम लोग रोज गोकुल से वृंदावन जाते थे घूमने तो लेट हो जाते थे, वहाँ का टाइमिंग है 7 बजे सब बंद हो जाता है ना, तो वहाँ हमारे लिए स्पेशल बेचारा वो अपना होटल खोल के रखता था, हम 10-11
वो बहुत ज़बरदस्त खाने हैं वहाँ के, सारे धार्मिक खाने थे जिसमें हमने पालक पनीर और पनीर पराठा, चने छोले, सब्जी मिक्स, बहुत ही आनंदमयी सब स्वादिष्ट सारा भोजन था। और असली घी में वहाँ बनाते हैं, सबसे बड़ी बात यह कि सब चीज़ें ना बिल्कुल खालिस है। और दूध और लस्सी की तो वहाँ क्या बात बताऊँ आपको मैं, आप अगर एक दफ़ा जाएंगे समीर भाई भी तो वो उसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं रहते। समीर भाई हमारे साथ ही जाएंगे हम, अगर अब हमारा कोई इवेंट ऐसा बना तो समीर भाई को भी कोशिश करेंगे। रवि भाई एक चीज़ के वीज़ा लेना कितना मुश्किल था या ग्रुप के साथ? या ग्रुप के साथ हमें कोई वो नहीं, हमारे साथ असल में हमारे जो ग्रुप लीडर है कृष्णा किशोर दास, उनके भी हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें, हम नहीं जाते, हमें पता नहीं हमारा कैसा ये बना प्रोग्राम, वो हमें सुबह उठाते थे पासपोर्ट के लिए भी, यकीन कर हम तो जाते ही नहीं, सुबह में फ़ोन करते यार जाओ प्रभु आप जाएँ पासपोर्ट बनाने जाओ, हम कहते हैं नहीं यार प्रभु अब कल जाए, अरे अभी निकलो। वो असल में भैया रास्ता भगवान की तरफ से या पर अल्लाह की तरफ से जो बनना है कि हम जिसमें जामें, हमारे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हमारा किस तरीके से हो गया, हमें वो कोई उम्मीद नहीं थी, मगर जब हम वहाँ तीरथ और हमारा पूरा जद्दा था, हमारा 45 लोगों का जद्दा था जिसको हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे कृष्णा किशोर दास, सारी भाग दौड़ उनकी थी, हम तो जाते थे घूमते थे और फिरते थे और ऐश करते थे, मगर वो बेचारे जो हैं कभी थाने के चक्कर लगाना, कभी इधर कभी उधर, तो हम इस तरीके से बस चलते रहे और ये तीरथ हमारा होता रहा, बहुत आनंदमय हुआ। आप बाकी आप डिटेल जो देखेंगे हमारे चैनल की ओर से आप देख सकते हैं, लता रवि यूट्यूब चैनल। अच्छा रवि भाई ये बताएं कि वहाँ बताते थे किसी को कि हम पाकिस्तान से आए, तब उनका रिएक्शन? ओह बहुत 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 खुश होते थे, वो हैरान हो जाते हैं, हैरान हुए यार 45 लोग कैसे आ गया। हमने बोला भाई, बोले यार सही बताया, वो मानते नहीं थे जब हम कहते ना पाकिस्तान, कहते नहीं झूठ बोल रहे हो भैया आप दिल्ली से आए, अबे भाई नहीं पाकिस्तान से ही है, हमने हर जगह सच बताया कि भाई हम पाकिस्तान, और बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, इतना खुश होते थे कि बोले यार बहुत बड़ी बात है आप लोग, और 45 लोगों को देख के तो बहुत समझो नहीं 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 असल में मैं शॉपिंग करते टाइम ही नहीं मिला यकीन करो, और बाकी हमारे जो ना पैसा महंगाई, हमारे पैसे की करेंसी की वैल्यू बहुत डाउन है, तो वो हमारे हम इतने पैसे नहीं लेके गए, हम समझे थे ये हमारे लिए इनफ है, मगर वहाँ गए तो खाने पीने में और घूमने में उसमें ही पूरे हो गए वो पैसे। हमारी बस भी बहुत अच्छी थी। मौसम वगैरह कैसा था? बहुत ठंड में बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ट्रेन में बैठा मिला नहीं वहाँ की? नहीं वहाँ की ट्रेन में नहीं सफर हुआ, सिर्फ बस ही बस, स्लीपर बस थी क्योंकि हायर की थी, हम कहीं रुकते नहीं थे रेस्टोरेंट में हमारे, क्योंकि सारे यात्रा का था ना तो 2 से 3 दिन कहीं रुकते थे, बस हायर की हुई थी पूरे टूर्स के लिए, तो वो स्लीपर बस थी, हमारे बैग वगैरह वहीं रहते थे, बस अपने जो आने जाने के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, और वहाँ ढाबों पर रुक के खाना प्रसाद डांडे ढाबे पे बहुत खाने खाते थे वहाँ, तो इस तरह तीर्थ यात्रा में चला, मगर बहुत आनंदमय रहा, हमने यकीन करें 20 दिन ऐसा लगता है 20 साल हमने वहाँ गुजार दिए, इतना हमको वहाँ सुकून मिला है और बहुत अच्छे लोग हैं, तो हमारे को जो सबको हमारी तरफ से जो भी देखते हैं इंडियन उनको सबको हमारी तरफ से जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। धन्यवाद आपका समीर भाई कि आप, धन्यवाद बहुत, थैंक यू कि आपने टाइम दिया। तो भाई अगर आप डिटेल में जो है उनकी जर्नी पूरी देखना चाह रहे हैं तो वीडियोस जो है आपको मिलेंगी, लता रवि यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाके देखिएगा और आपको सारी जो है वीडियोस मिल जाएंगी, और उस पर जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा। तो बाकी है कि मैंने तो वीडियोस ऑलरेडी देखी हैं, मैंने तो इनका जितना भी सफ़र था और काफ़ी इन्जॉय किया, ट्रेन में केक वेक काटते हुए भी इतफाक से मेरी 11 जनवरी को मेरी बर्थडे थी और वो मेरी साली खास और स्पेशलिस्ट बम्बई बेकरी से वो लेकर आई थी केक, तो वो हमने वहाँ केक सेलिब्रेट किया, तो धन्यवाद सबका जो आप मुझे देख रहे हैं, लाइक करते हुए पसंद करते हैं, मतलब मैंने भी देखी है अब आपको, लेकिन और दामो या इस तरह कोई एक नाम था वो एरिया दमो वो भी मैंने, हाँ अच्छा, भी काफ़ी जगह अच्छी लगी, अच्छा, नहीं बहुत अच्छा, आप भी इंडिया जाएंगे तो यकीन करें आपके आपको तो वैसे बहुत लाइक करते हैं लोग, आपको देखते हैं आपके चैनल को, तो थोड़ी सी हमें भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और समीर भाई भी आएंगे इंडिया, ये मैं आप लोग को बोल रही हूँ, और हमारे साथ ही इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये टूर बने कि समीर भाई भी साथ साथ, तो आपका जरूर प्यार मिल जाए इसी तरीके से, हमको समीर भाई को और हमको आपका प्यार की जरूरत है, आपका प्यार समीर भाई को भी बहुत कमेंट सब्सक्राइब किया करें आप लोग, नहीं नहीं बस आप लोग का प्यार और ये साथ रहेगा, और भाई हमारी तरफ से यही आपको रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सर और मैम के जो है चैनल को, सर और मैम इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब आपके हिसाब से कि भाई इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि के आगे और जो है अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएँ, क्योंकि रवि भाई को और दीदी को मैं देखता हूँ ये हर इवेंट में जो है आते हैं और साथ साथ जो है मेहनत कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है कि हमारे मेरे लिए खुद एक मतलब जो है इंस्पिरेशन वाली बात है कि ये भी और ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अच्छी बात है, कभी कभी बीच में मैं जो है इतनी वीडियोस नहीं बना पा रहा था लेकिन ये बना रहे तो एक अच्छी बात है,
और क्या कहेंगे कि मतलब ये इस हिसाब से, बस ये एक धार्मिक कल्चर, या हमने असल में सच बताया कि समीर भाई भी ये दिखाते हैं, अच्छा लगता था हमें इनको देख के, फिर हमने एक बस हमारा भी मन हुआ और इस तरफ हमें भगवान की कृपा हुई कि हम इस तरफ लग गए। और अब ये हमें हमारे जीवन में, हम जिसे नई वीडियोस बनाते हैं, हमें अजीब सा लगता है, घर में रहना अजीब लगता है, हमारा दिल होता है कहीं ना कहीं इवेंट्स हो और हम उसकी कवरेज के लिए पहुंचे, तो इस तरह इतना बस आदत हो गई है हमें, और ये आदत ऐसी रहे जब तक हमारी जीवन है, सांस है। कभी किसी ने ऐसे बोला कि होते ना कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, यार क्या किन कामों में लगे? ये बहुत ज्यादा लोग हैं इस तरह के, बहुत ज्यादा कहते हैं, मगर हम कहते हैं कि दुनिया का काम है कहना, और जो हम कर रहे हैं वो प्रभु को पता है, ईश्वर को पता है, लोगों का काम है कहना, इससे हमें कुछ नहीं है। हमने अपना जीवन गुजारना है, हमने जाना है तो अपने सफर पे निकलना है, अपने सफर का हमें खुद हिसाब देना है, तो हम लगे हुए, बाकी जो कहता है या सुनता है वो कहने की बात है, सुनने की बात है, हम सुनते हैं, और सुन कहने वाले को फिर उनको भी हम कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, खुश रहे वो भी खुश रहे, हाँ कहने वाले भी बात सही सही, उनके जरिए कमेंट सब्सक्राइब आ जाते हैं सही सही। भाई बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया दीदी। तो भाई ये थे रवि भाई और लता दीदी। लता रवि भाई आपने देखी, लता रवि की वीडियो देख के हाँ कितना जबरदस्त कि इतनी चाहत और इतनी मोहब्बत इन्हें मिली वहाँ पर इंडिया जाकर, और जो है लोगों ने जिन्हें बड़ा सराहा और यकीन ही नहीं कर रहे थे कि भाई आप जो है ना बाकी है पाकिस्तान से, अभी ऐसा हो नहीं रहा कि पाकिस्तान से लोग हम इंडिया जाए। असल में मसला ये कि काफी अरसे से ना एक स्पेस आया हुआ है कि लोग आना जाना जो है बंद हुआ हुआ है, लेकिन इनका भी जो है काफी अरसे से जो अप्लाई किया हुआ था, तो अचानक से जो इनका वीजा आ गया, तो ये 45 लोग यात्री के लिए गए थे यात्रा के लिए, और यानी कि बस भी ऐसी ली थी कि स्लीपर बस थी कि उसी में रहना उसी में घूमना, और फिर लाजिमत है कि इन्होंने जो है मुख्तलिफ जगहों के जो है ना वहाँ पर यात्रा की है, तो इससे किए तो वहीं पर ही खाना पीना सके, दावों में बाहर जाके खाने खाए, तो खाने को से भी ये लुत्फानंदोज होगा, लोगों से बड़े लुत्फानंदोज हुए कि लोगों ने बड़ा इनको इज्जत दी और बड़ा चाहत के साथ जो ना मिले। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से यहाँ से इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, तो हम लोग इतनी प्यार मोहब्बत से मिलते, तो लोग यहाँ से जब वहाँ जाते तो वो लोग बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते, तो आपस में जो रिलेशन है लोगों के एक आम आदमी के, तो वो तो जो बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे अंदाज में जो है एक दूसरे से जो है ना मिलते हैं, और फिर जब वापस आ रहे होते हैं जैसे यहाँ से कोई वापस जा रहा है तो बड़ी एक अरमान होते हैं कि भाई ये ना जाए रुक जाए, या कोई अच्छा वहाँ से वापस आ रहे थे बोले यार और थोड़ा सा जो है स्टे कर लो, तो आने वाले को दिल नहीं चाहता कि हम वहाँ से वापस आएँ, जहाँ से जाने वाले को दिल नहीं चाहता कि यहाँ से वापस आए, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आपस में मोहब्बत है जो होनी चाहिए। और इनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था कि कहना कि हमने 20 दिन रहे, 20 साल कि आप अंदाजा लगाएं कि जब ये बात कर रहे हैं तो कितने दिल से बात कर रहे हैं, अपनों में गए थे, अपनी दुनिया में गए थे, ये महसूस नहीं हुआ कि ये कहीं गैर मुल्क में चले गए, इन्हें यही था कि भाई हम यहाँ पर आए तो इतनी चाहत मोहब्बत मिल रही, तो एक अपना ये जब मिलती है तो दिल नहीं चाहता वापस आने का। वहाँ के खानों की भी बड़ी तारीफ कर रहे थे, पनीर वगैरह बहुत जबरदस्त। अच्छा असली घी में इस्तेमाल होता है, दूध और दही का लस्सी का इस्तेमाल भी वहाँ पर ज्यादा है, और वेजिटेबल भी अलग है, अलग है। बहुत जबरदस्त वीडियो थी लता रवि भाई की, और समीर भाई ने बड़ा कवर किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि समीर के ब्लॉग को भी जो है आप जो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भेजा करें उनके ब्लॉग पे भी, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी लाइक करें, सपोर्ट करें, ताकि तमाम तरह वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ ही मुझे और खुशी को इजाज़त दें, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह।